जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप नेट जेरप क्वालिफाई कर लेते हो, नेट जेरप पास कर लेते हो, तो उसके बाद में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर आप काम करके बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नेट जेरप को पास करने के बाद में कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पर आप काम करके बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हो। और यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो नेट जेरप की, आपका सपना है जेरप क्वालिफाई करना, आपका सपना है नेट क्वालिफाई करना, PhD करना आपका सपना है, तो ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए कि नेट जेरप पास करने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पर हम काम करके बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि नेट जेरप पास करने के बाद आप कुल 13 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आप काम कर सकते हो, टोटल 13 ऐसे फायदे हैं जो आपको केवल और केवल नेट जेरप पास करने के बाद में ही मिलने वाले हैं। टोटल 13 ऐसे सेक्टर है जहां पर केवल और केवल नेट जेरप पास कैंडिडेट ही काम कर सकते हैं, बाकी विदाउट नेट जेरप कैंडिडेट यहां पर काम नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेरप क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़कर ज्योग्राफी की और नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप जरूर देखना। वो वीडियो आपका जो नेट और जेरप क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगा। अब सबसे मेन टॉपिक तो क्या होता है भाई, हमारे सबसे बड़ा डर क्या है? हमारे सबसे बड़ा डर होता है बेरोजगारी का। आज हम जो भी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम केवल एक रोजगार पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे को सबसे बड़ा डर यही लगता है कि कहीं हम बेरोजगार ना रह जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप नेट जेरप पास कर लेते हो ना, तो आप बेरोजगार रहोगे इसके बिल्कुल 0% चांस है। अब वो डिपेंड करता है भाई, कुछ लोग होते हैं जिनके पास खाना रखा हुआ होता है, केवल उनको तोड़ के खाना है, लेकिन वो उसमें भी बहाना बना लेते हैं यार, कौन तोड़ेगा, कौन उसको मुंह मिलेगा, फिर कौन चबाएगा, कौन निगलेगा, रहने देते हैं। यदि आप थोड़ी सी सही ढंग से मेहनत करने वाले कैंडिडेट हो, आपके मन में है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, और यदि आपने नेट जेरप पास कर लिया है तो कोई भी चांस नहीं है कि आप बेरोजगार रहोगे। नेट जेरप पास करने के बाद में यदि आप एक्टिव कैंडिडेट हो तो आपको 100% एक बहुत अच्छा खासा रोजगार मिलेगा, मतलब बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो हट जाएगा। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नेट जेरप पास करने के बाद आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहने वाले। दूसरा सबसे मेन, आप नेट जेरप पास करोगे तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ना बहुत ही गजब तरीके से तैयार हो जाएगा। एक वो लोग जिनका नेट जेरप पास नहीं है, एक वो लोग जिनका नेट जेरप पास है, तो आप हो जो उन लोगों से अलग हो जाओगे जिनका नेट जेरप पास नहीं है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी कमांड हो जाएगी, आपका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस हो जाएगा। और यदि आपका आपके किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे खासे तरीके से कमांड हो जाता है, तो फिर आपकी जो लाइफ है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं एक सबसे प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है तो आप स्कूल लेक्चरर बहुत आसानी से बन जाओगे, और स्कूल लेक्चरर 4600 ग्रेड पे की एक बहुत ही शानदार वाली सरकारी नौकरी होती है। PGT टीचर या स्कूल लेक्चर जितने भी कैंडिडेट बनते हैं उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट वही होते हैं जिनका या तो नेट क्वालिफाई होता है और जिनका जेरप क्वालिफाई होता है। और ये तो जायज ही है, जिस कैंडिडेट का जेरप क्वालिफाई हो गया वो 100% स्कूल लेक्चरर तो बनेगा ही बनेगा, PGT टीचर तो बनेगा ही बनेगा, बाकी उसके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है PhD, ठीक है, आप विदाउट नेट जेरप के भी PhD कर सकते हो, नेट जेरप के बाद में भी PhD कर सकते हो, लेकिन यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो आपका PhD में
बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में थोड़ा आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपका JRF क्वालिफाई है तो आप अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ना उससे भी PhD कर सकते हो। और आप सबको पता होगा कि जब आप JRF क्वालिफाई करके PhD करते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है, जिसमें शुरू के 2 साल आपको JRF मिलेगा, जिसमें 36,510 रुपये महीने के हिसाब से आपको 2 साल तक फेलोशिप मिलेगी। 2 साल बाद में आपका जो JRF है वो SRF में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 साल तक आपको SRF मिलेगा। SRF के दौरान आपको लगभग 42,000 रुपये मंथली के हिसाब से 3 साल तक मिलेंगे, ठीक है। अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर डिस्कस कर रही है कि जो JRF SRF का अमाउंट है उसको 5,000 ज़्यादा और कर रही है। तो यदि 5,000 ज़्यादा हो जाएगा तो जो JRF का अमाउंट है वो 36,000 से बढ़कर 41,000 हो जाएगा, और SRF का जो अमाउंट है वो 41,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है JRF क्वालिफाई करने का, कि यहाँ पर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हो और बहुत अच्छी खासी फेलोशिप भी पा सकते हो। अब आपने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने PhD भी कर लिया, तो अब आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और वो मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पहले महीने का स्टार्टिंग का बेसिक पे है ना वो 57,700 रुपये होता है। आप भारत की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी में यदि आप कंपेयर करोगे ना तो सबसे ज़्यादा बेसिक पे केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। यदि कोई कैंडिडेट IAS बनता है या डॉक्टर बनता है, IPS बनता है, तो उनका जो पहले महीने का जो बेसिक पे वो 56,100 रुपये होता है, जबकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो 57,700 रुपये रहता है। तो बहुत अच्छी खासी नौकरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद या PhD क्वालिफाई करने के बाद, PhD करने के बाद आप दोनों तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हो। यदि आपका PhD है तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यदि आपका JRF है तो आपके PhD असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो चांस है वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, आपके पास PhD भी नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो नेट JRF पास करके PhD करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर एक बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेशन वाली जॉब हासिल कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और प्राइवेट में भी बन सकते हो। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दो पदों के बारे में सुना होगा, एक वाइस प्रिंसिपल के बारे में और एक प्रिंसिपल के बारे में। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हो या प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो उसके लिए भी नेट या JRF या PhD इनका होना अनिवार्य है। या फिर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो उसके लिए भी नेट, JRF और PhD बिल्कुल अनिवार्य है। इसी तरीके से यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो उसके लिए भी नेट, JRF या PhD कंपलसरी है, और यदि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो उसके लिए भी नेट, JRF या PhD जरूरी है। तो वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए भी नेट और JRF जरूरी है। यदि आपका नेट JRF है तो आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन सकते हो, उसके लिए कुछ अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन सकते हो, और चाहे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनो या फिर वाइस प्रिंसिपल बनो, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर एक संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि रिसर्च असिस्टेंट क्या होता है, रिसर्च एसोसिएट क्या होता है। नेट JRF क्वालिफाई करके आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हो और रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हो। इसके लिए भी आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हो, आप चाहो तो किसी प्राइवेट सेक्टर में भी एज ए रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में। नेट JRF और PhD क्वालिफाई करने के बाद में आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो।
इसके भी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो और प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, लिमिटेड कंपनियां होती हैं, जहां पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जरूरत होती है, और उनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है उसमें नेट, जेआरएफ और पीएचडी ये ही होता है। तो यदि आपका नेट, जेआरएफ या पीएचडी है तो आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में। आपने बहुत सारी बार साइंटिस्टों के बारे में सुना होगा, और जब आप साइंटिस्टों के बारे में सुनते हो या साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये विचार तो आया ही होगा कि यार हमें भी साइंटिस्ट बनना चाहिए, हमें भी वैज्ञानिक बनना चाहिए। हम वैज्ञानिक बन जाएंगे तो हम अलग अलग तरीके के रिसर्च करेंगे, और जो आने वाली पीढ़ियाँ वो हमारे रिसर्चों को पढ़ेंगे, हमारे सूत्रों को पढ़ेंगे, हमारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो यदि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें नेट, जेआरएफ या पीएचडी कंपलसरी होता है। और यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में एज ए साइंटिस्ट के तौर पर काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी नेट, जेआरएफ या पीएचडी का होना बिल्कुल कंपलसरी है। और प्यारे साथियों, आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है यदि आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा रहना चाहते हो। हायर एजुकेशन के संबंध में कोई भी नई खबर निकल कर आती है, कोई भी नया अपडेट आता है, आपका सपना है हायर एजुकेशन की ओर जाना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प करने वाला है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपने नेट, जेआरएफ क्वालिफाई किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका एक सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट से आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका क्या हो गया, बहुत अच्छा खासा कमांड हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत गजब तरीके से तैयार हो गया। जब आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है आप स्कूल लेक्चरर या फिर पीजीटी टीचर बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। और मोस्टली जितने भी स्कूल लेक्चरर बनते हैं, जितने भी पीजीटी टीचर बनते हैं गवर्नमेंट, उनमें ज़्यादातर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट ही होते हैं। यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया ना तो आपको पीजीटी टीचर या स्कूल लेक्चरर बनने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, और यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यदि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप भीड़ से वैसे अलग हो चुके हो। इसके अलावा यदि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, आपने पीएचडी कर लिया है, तो आपके पास एक प्राइवेट सेक्टर में एक सुनहरा मौका है थीसिस राइटिंग का, थीसिस लिखने का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये थीसिस राइटिंग क्या होती है, जब आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी के दौरान आपको एक थीसिस लिखनी होगी। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता थीसिस लिखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, थीसिस लिखने का काम किसी दूसरे कैंडिडेट को दे देते हैं, वो कैंडिडेट उनको थीसिस लिख कर दे देता है, उसके बदले वो उसको कुछ अमाउंट दे देते हैं। तो यदि हम फिलहाल में थीसिस की रेट देखें, आप यदि किसी से थीसिस लिखवाओगे तो मिनिमम 60,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 रुपये के बीच में आपको अमाउंट पे करना होगा आपकी थीसिस लिखवाने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है, यदि आप पीएचडी कर सकते हो तो एज ए पार्ट टाइम आप थीसिस राइटिंग का काम कर सकते हो। एक महीने में आप बिल्कुल आसानी से एक थीसिस लिख सकते हो जिसका आप 60,000 से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में अमाउंट ले सकते हो, और एज ए पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो। चाहो तो थीसिस राइटिंग के तौर पर आप परमानेंटली भी काम कर सकते हो, दिन में, एक महीने में 2-2, 3-3 थीसिस भी लिख सकते हो, और ये जो थीसिस राइटिंग का काम है ये लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट पीएचडी करते हैं उनमें कुछ लोगों को थीसिस सही ढंग से लिखनी नहीं आती, थीसिस का सही ढंग से फॉर्मेट नहीं पता होता, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास थीसिस लिखने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए ये वो लोग क्या करते हैं, थीसिस लिखने के लिए किसी और को दे देते हैं, वो कैंडिडेट उनके टॉपिक पर थीसिस लिख देता है, वो थीसिस को सबमिट करवाते हैं और उनका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। तो आप थीसिस लिखने का भी काम कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपका सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा खासा कमांड होगा, तो आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा सकते हो, और आपको खुद को पता होगा कि जो लोग प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती, उनको घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है, 1 घंटे के 2,000। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है और आपके अंदर पढ़ाने का बहुत अच्छा स्किल है ना, तो आपको 1 घंटे के कम से कम 1,500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और यदि आप दिन में 4 घंटे पढ़ा लिए तो 1 दिन के 6,000 रुपये हो गए। यदि आपका नेट क्वालिफाई है, आपके अंदर पढ़ाने का सही स्किल है, तो आपको 1 घंटे के कम से कम 1,000 रुपये मिलेंगे यदि आप किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाओगे तो।
तो प्राइवेट कोचिंगों का सीन है ना, ये कभी बंद होने वाला नहीं है कि चलो 5 साल बाद में बंद हो गए, लाइफ टाइम चलेंगी कोचिंग। मतलब आप प्राइवेट कोचिंगों में बिल्कुल लाइफ टाइम एज ए एजुकेटर पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ा सकते हो, ये आपके पास एक मौका होता है। तो इस तरीके से यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आप बेरोजगार रहोगे, इसके कोई चांस नहीं है। आपको रोजगार मिलेगा वो भी बहुत अच्छा खासा, इसके बिल्कुल 100% चांस है। तो नेट जेआरएफ आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है। आप यदि अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं फिर से कहूंगा कि यदि आपका सपना है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, जेआरएफ क्वालिफाई करके बहुत अच्छा करियर बनाने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।